हेलो एवरीवन, दिस इज संजय। और आज के वीडियो में दोस्तों मैं आज आपको यहां पे दिखाने वाला हूं कैसा आप आसानी से जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा को ड्रॉ कर सकते हो। और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग अंत में लेबलिंग करने वाले स्टेप बाय स्टेप, जहां पे मैं आपको रिमेंबर करने में मदद करूंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी इसे बनाने में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और अरे दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसे कैसे बनाएंगे, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया, जल्दी से अभी स्टार्ट करें और यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी बनाए। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट भी आपको इस तरह से इसे बना लेना, ये बर्ड की तरह भी दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से बना के छोड़। इसके बाद दोस्तों आपको इसी तरह से दूसरे साइड भी बनाना है। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट करें मेरे साथ, ताकि आप इसे देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सको, आपका टाइम बचेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आपको यहाँ पे फोल्ड करना है। इतना बनाने के बाद आपको यहाँ से दोस्तों एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से नीचे की ओर, एंड देन आफ्टर दूसरे साइड से भी आपको इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना। इसे बनाने के बाद दोस्तों आपको इसे नीचे की ओर लेते आना है, जस्ट लाइक दिस। इतना दूर तक बनाने के बाद दोस्तों आपको दूसरे साइड से भी इसे नीचे की ओर लाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपको इस तरह से बनाना है। जी हाँ, आपको इस तरह से बना के यहाँ पे छोटा छोटा फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे स्प्रेड करेंगे और इसे एक सुराही की तरह बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह से एक शेप बनाना है। आपको यहाँ पे घुमाते हुए इसे नीचे की ओर ले जाना है। नीचे की ओर ले जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ओवल शेप, जी हाँ ओवल शेप की तरह बनाना है। और यहाँ पे आपको अगर इसे याद रखना है तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, लोमड़ी और सारस की कहानी आपने तो सुना ही होगा। वह बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए दोस्तों क्योंकि लोमड़ी का चोंच नहीं होता है और सारस का चोंच होता है, वो खाना इसमें मुँह डालकर खा सकता है। तो इस तरह से उसने कहीं ना कहीं अपना बदला लिया था। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो इसे सुराही से रिलेट करके। इस तरह से बनाने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को हम लोग यहाँ से लेते आएंगे नीचे की ओर, और ले जाते हुए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसके पैरेलल में ही इसे बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जैसा फोल्ड हुआ है वैसा ही हम लोग इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक फिर से फोल्ड करते हुए इसे नीचे की ओर लाएंगे और इसके बीच तक इसे बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे अगर हम लोग हाफ करें तो दिखेगा कि ये इतना तक बनेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना दूर तक आपको बना लेना। बनाने के बाद दोस्तों इसे फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे इसे छोड़ देना। छोड़ने के बाद दोस्तों आपको ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करना और इसे ज्वाइन कर देना। तो ये कहीं ना कहीं दोनों पैरेलल ही होगा इस तरह से। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी मेरे को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसे बना लो जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग इसे जल्दी से लेवल करके फिनिश कर सकें। जी हाँ, और ऐसा ही ढेर सारे अगर डायग्राम आप इंटरेस्टिंग वे में देखना चाहते हो तो मेरे वीडियोस को चेकआउट करें मेरे चैनल में जाके। वहाँ पे मैंने बहुत सारे बहुत इजी में डायग्राम बना के आपको दे दिया, खास करके क्लास 10 को तो यार इतना इजी में बनाया है, जिससे आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप उसे लर्न कर सकते हो, क्योंकि टेक्निक जो मैंने आपको बताया वो आपको इजी टू रिमेम्बर होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसे मिला देंगे, एंड देन आफ्टर ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दोस्तों इसके ऊपर में यहाँ पे एक गोला इस तरह से बना लेंगे, ओके सर्कल टाइप। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे ऊपर में और एक बनाना है आउटलाइनिंग, और ये कहीं ना कहीं सेमी सर्कल की तरह दिखेगा जैसा कि आप देख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से जिगजैग करके थोड़ा सा इसे दिखा देना है। जैसा आपने देखा होगा सन का ड्राइंग, उसमें कैसा लाइनिंग होता है ऊपर में, तो वैसा ही आपको यहाँ पे बना के इसे कंप्लीट कर लेना है। सो फाइनली गाइज, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे दूसरे वाले को जो यहाँ से बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ से इसे रिटर्न इस तरह से बनाते हुए ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर में भी जस्ट उसी तरह से सेमी सर्कल बनाना, और उसके ऊपर में सूरज का जो रे लाइट होता है, किरने, उसे निकलते हुए कैसे हम लोग देखते थे बचपन में, वैसा ही आपको यहाँ पे बना के इसे कंप्लीट कर लेना। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, हम लोग यहाँ पे इसे बना के कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या बनाने वाले हैं, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसके बीच में
जी हाँ दोस्तों, इसके बीच में आपको इस तरह से एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद इसके ऊपर में और एक सर्कल बनाना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसके बाद दोस्तों आपको इसके साइड साइड में दो छोटा छोटा सर्कल इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसके ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे दो ओवल शेप ड्रॉ करना है। आपको यहाँ पे दोनों ज्वाइंट होना चाहिए इस तरह से। इसके बाद दोस्तों जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर में आपको यहाँ पे तीन इस तरह से सर्कल बना लेना है। देन आफ्टर इसके ऊपर में एक लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको इसे नीचे की ओर लाना और यहाँ पे ज्वाइन कर देना। कैसे करना दोस्तों ये चलिए ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको सेम मेरे को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप इसे अच्छे तरह से बना सको। और मेरा हमेशा से यही वादा रहा है दोस्तों कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपको हेल्प करूँगा। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप भी मुझे वादा करो कि अगर ये वीडियो आपको रियली में हेल्प करती है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करोगे। जी हाँ, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के साथ साथ आपको इसे नीचे की ओर लाते हुए यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों और एक लाइन ड्रॉ करना है, जस्ट इसी ही के सीध में होगा। जैसे ये फोल्ड हुआ है, जैसे ये थोड़ा सा कर्व मुड़ा हुआ है, इसी तरह से आपको बनाते हुए नीचे की ओर थोड़ा सा फैलाते हुए इसे इतना दूर तक बना लेना। जी हाँ दोस्तों, इतना बनाने के बाद आपको अब क्या करना है, यहाँ से और एक लाइन ड्रॉ करना है। इसे हम लोग जस्ट इस तरह से ड्रॉ करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप इसका आउटलाइन देख पा रहे हो, इसी तरह से आपको इस तरह से इसे मोड़ना है। मोड़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसे मिला देना है। मिलाने के बाद जैसा आप देख रहे हो कि ये इतना दूर तक आया होगा और यहाँ से ये निकलेगा। यहाँ से निकलने के बाद ये यहाँ पे टकराएगा, राइट। इतना दूर तक बनाने के बाद दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दोस्तों छोटा सा एक फोल्ड करना है और उसके बाद जस्ट इसी के पैरेलल आपको ऊपर की ओर बनाते हुए और जहाँ पर हम लोग ने बनाया था वो जो ज्वाइन हुआ है दूसरी लाइन में जाके वहाँ तक हम लोग इसे बना के मिला देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल है दोस्तों। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना इजी डायग्राम। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे इसे नीचे की ओर लाना और जस्ट इसके जहाँ पे ये लाइन अटैच हुआ है वहाँ पे इसे मिला देना है। मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। साथ साथ में अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और ढेर सारे वीडियोज़ मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिया, तो जाके देखो, सीखो और अच्छे से उसे प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो बना सको। और उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से दोनों साइड लाइन बना के इसे कंप्लीट कर लेना। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने हाल ही में ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया, तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को देखो रेगुलर तो आप मेरे एक लाइक और एक सब्सक्राइब दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इसलिए दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो थैंक्स अ लॉट। से दोस्तों आप कौन सा वीडियो नेक्स्ट देखना चाहते हो जरूर से ज़रूर कॉमेंट करके नीचे बताना। सो नाउ इट्स कम्प्लीटेड। चलिए दोस्तों हम लोग इसे शुरुआत करते हैं गेमिंग का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक छोटा सा गेम खेलना है मेरे साथ और आपको यहाँ पे लेवलिंग का नाम बताना है, कौन कौन सा नेम है। तो अगर आपने याद किया तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करिए, और अगर आपने याद नहीं किया तो आप यहाँ पे बाद में बोल सकते हो जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। सो लेट्स बिगेन। सो लेट मी नो दोस्तों फर्स्ट वन नेम। सो दिस वन इज पॉलन ग्रेन। देन आफ्टर दोस्तों इसके बाद जल्दी से बताओ कौन सा है। सो दिस वन इज स्टिग्मा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हिंदी में बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा। इसके बाद दोस्तों बताओ, सो दिस वन इज मेल जर्म सेल। तो आपको इसी तरह से खेलते जाना है। सो दिस वन इज पॉलन ट्यूब। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। सो नाउ इट्स कम्प्लीटेड दोस्तों। आई होप दोस्तों कि इससे आपको थोड़ी सी भी मदद मिली होगी और आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे हम लोग इसे इजीली बना सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, कमेंट करके नीचे बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा चाहते हो और ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ साथ में अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बगल वाले बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही ढेर सारे मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। देखते रहें हमारे वीडियोस को और प्रैक्टिस करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।